राजस्थान में बाजरे की तरह तरह के व्यंजन बनते हैं, उनमें से फेमस है एक बाजरा ढोकला चूरमा और मसाला ढोकला। तो बाजरे की ये ढोकले बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, आज वही हम बना रहे हैं। उसके लिए मसाला अजवाइन, चना दाल मोटी कुटी, लाल मिर्च, पापड़ खार, धनिया साबुत, हरी मिर्च के टुकड़े, लहसुन बारीक कटा, टमाटर और हींग, अब गरम मसाला, बारीक कटे प्याज, धनिया, बाजरे का आटा जो खास है, और बेसन और बेसिक मसाले। इसमें मटर को हम थोड़ा थोड़ा सा मोटा दरदरा कूट लेंगे ताकि इसका दाना नहीं रहे और बाटी में अच्छे से ये टेस्ट आए इसका। बाजरे का आटा मैंने एक बड़ी प्याली, लगभग 500 ग्राम बाजरे का आटा, थोड़ा सा बेसन लिया है, हरी मिर्च के टुकड़े, बारीक बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटे प्याज, और इसमें डाल देंगे अब साबुत धनिया, मोटी कुटी लाल मिर्च, अजवाइन, हींग और चने की दाल, इसका क्रंच अच्छा आएगा, और पापड़ खार। पापड़ खार को थोड़ा सा हम हाथ से मसल करके इसमें डाल देते हैं, गरम मसाला और मोटी कुटी मटर, नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी पाउडर कलर के लिए, धनिया पत्ती बारीक कटी हुई, और अच्छे से हम इसे मिला देंगे। अब थोड़ा सा बेकिंग सोडा जो पहले भूल गई थी, और तेल या घी का मोयन, बहुत ज़्यादा मोयन इसमें नहीं चाहिए, और एकदम गर्म पानी में इस आटे को हम गूंद लेंगे इस तरह से। हाथ तो जलेंगे लेकिन गर्म गर्म पानी से ही हमें आटे को गूंदना है, इससे बहुत ही अच्छे ढोकले बनेंगे। दोनों हाथों में लगाएंगे तेल और गोल गोल बना करके थोड़ा सा हथेली से दबा देंगे, यूँ चपटा करके बीच में एक छेद करेंगे उंगली से। इसी तरह से हम सारे ढोकले तैयार कर लेंगे एक एक करके, और मैंने पानी पहले से ही स्टीमर में उबालना रख दिया था, और इसके ऊपर बर्तन, और इसमें चारों तरफ हम अच्छे से तेल लगा लेंगे इस। और अब हम इसमें ढोकले रखेंगे एक एक करके, ब्रश से तेल लगाएंगे और इसके ऊपर फिर से ढोकले रखेंगे। तेल लगाने से ढोकले चिपकेंगे नहीं, इस तरह से ऊपर से फिर से तेल, और अब ढक्कन लगा करके हम 5 मिनट तक के लिए फुल आँच पर एक बार पकाएंगे इसे, और उसके बाद ढक्कन खोलेंगे और डालेंगे इसमें उबला हुआ पानी। आधा लीटर मैंने यहाँ पानी उबाला है और इसमें डाल देंगे पानी। पानी से हमारे ढोकले बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, बहुत ही अच्छे बनेंगे, और ढक्कन लगा करके हम फुल आंच पर फिर से इसे 20 मिनट के आसपास हम पकाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं ढोकले बिल्कुल परफेक्ट बने हैं, इन्हें हम साइड में रखेंगे। अब चूरमे के लिए ढोकले बनाते हैं। बाजरे का आटा, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी अजवाइन और बेकिंग सोडा। अब लेंगे देसी घी 1 चम्मच और एकदम गर्मा गर्म पानी में इसे गूंद लेना है आटे को। हाथ चलेंगे लेकिन गर्म पानी से ही गूंदेंगे तो ढोकले बहुत ही सॉफ्ट और अच्छे बनेंगे। वही गोल पेड़ा बनाएंगे, चपटा करेंगे और बीच में उंगली से छेद, और इसी तरह से हम उबले हुए पानी के ऊपर बर्तन रख करके इसमें ढोकले जचाएंगे, और अब इन्हें हम 25 मिनट तक पकाएंगे, इसमें उबला हुआ पानी नहीं डालेंगे। तो ये देखिए ढोकले बनकर बिल्कुल तैयार है, और बनाएंगे अब ढोकले का चूरमा। गर्मा गर्म ढोकले को तोड़ते हैं, इसमें डालते हैं शक्कर या चीनी भी डाल सकते हैं, और देसी घी। देसी घी डालने में कंजूसाई ना करें, चूरमा वरना अच्छा नहीं बनेगा। तो इस तरह से चूरमा बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा बनेगा, और थाली परोसेंगे ढोकले। मैं यहाँ इसके साथ कढ़ी और चटनी बनाई है, और अब इसमें परोसेंगे चूरमा, और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है, बहुत ही रिच रेसिपी है। वैसे ये बाजरे के ढोकले और बाजरे के ढोकले का चूरमा जो है गणगौर के दिन स्पेशल बनता है हरियाणा और राजस्थान में। तो ये बहुत ही खाने में स्वादिष्ट होता है, बहुत ही मज़ेदार होता है। आप एक बार बनाकर खाएंगे तो आपकी इच्छा होगी कि कम से कम महीने में एक बार तो बनाकर खा ही लेते हैं। चूरमा जब आप खाएंगे तो लगेंगे वाह, सबसे डिफरेंट चूरमा होता है इसका। तो आज की मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।